दक्षिण इटली का पलेर्मो शहर। इसे मनमौजी और बेतरतीब समझा जाता है, लेकिन ये हसीन और रोमांटिक भी है। पलेर्मो बिल्कुल उल्टी धाराओं को साथ लेकर चलता है। पलेर्मो की खासियत यह है कि यहाँ कुछ भी आसान नहीं। आसान दिखने वाली चीजें सरल नहीं होती। इस शहर में सब कुछ उलझा हुआ है। पलेर्मो शहर अपने देश की राजधानी रोम से ज्यादा अफ्रीकी देश ट्यूनिशिया की राजधानी ट्यूनिस के पास है। भूमध्य सागर का बंदरगाह वाला शहर, यूरोप और अफ्रीका के बीच में। 3000 साल पहले ग्रीस ने ये शहर बसाया, लेकिन यहाँ हमेशा नए शासकों का कब्जा होता रहा। शहर के मुकुट जैसा दिखता विशाल चर्च यानी कैथीड्रल पलेर्मो के बदलते चेहरे को दिखाता है। अरब शासन के दौरान यहाँ मस्जिद होती थी। मूरकाल के निशान अब भी देखे जा सकते हैं। बाद में उत्तरी यूरोप से आए नॉर्मन शासकों ने इस जगह को चर्च बना दिया। पलेर्मो पर दुनिया भर का असर देखा जा सकता है, खासकर बाजारों में। कार्लो फियोरे को मर्काडो डेल कापो पर टहलना पसंद है। फ्लोरेंस में जन्मे कार्लो संगीत से लगाव की वजह से पलेर्मो आए। पलेर्मो में यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा ओपेरा हाउस है, थियाट्रो मासिमो। 1897 में पहली बार यहाँ दरवाजे खुले। 20वीं सदी के लगभग हर महान गायक ने थियाट्रो मासिमो में परफॉर्म किया है। मारिया कायास, लुचियानो पावरोती, हेडबर्ट फोन कारायान। 1300 सीटों वाला ओपेरा हाउस पलेर्मो का गौरव है। लेकिन फिर भी वह 20 साल तक बंद रहा मरम्मत की वजह से। लेकिन 100वीं सालगिरह के मौके पर इसे दोबारा खोल दिया गया। The reopening of the Teatro Massimo was very moving to see this. थियेटर मासिमो का फिर से खुलना भावुक लम्हा था। इस तरह के स्मारक को देखना, आसपास गूंजते संगीत को सुनना और बुजुर्गों के लिए 20 साल की यादों और उस पल की भावुकता। कुछ लोगों का कहना है कि मरम्मत में इतना समय इसलिए लगा कि पैसा माफिया के हाथों में जा रहा था। पलेर्मो को लंबे समय तक माफिया का गढ़ समझा जाता था। आज स्मारक उन जजों की याद दिलाते हैं जिनकी वजह से पलेर्मो में हत्या की दर पहले से कम हुई है और जिन्हें इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। पलेर्मो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है और यही इस शहर को रोमांचक बनाता है। पुरानी इमारतों का फिर से इस्तेमाल हो रहा है, लोक संगीत और आधुनिक डिजाइन का मेल। इस शहर में संस्कृति की संस्कृति पर सोच विचार और बहस की बड़ी मांग है। पलेर्मो ऐसा शहर है जहाँ के लोग कलाकारों के परीक्षण को समझते हैं। बारोक विला के खंडहर में आज का कला म्यूजियम बन गया है। रिसो म्यूजियम शहर की पहचान है। पलेर्मो का इतिहास हर दौर में कलामय रहा है और वह अब भी आंकड़ों में देखें तो समकालीन कला के प्रमुख केंद्रों में से है। सिसिली की अल्हड़ खूबसूरती सारी दुनिया के कलाकारों को प्रेरणा देती है। पलेर्मो बदलाव के दौर से गुजर रहा शहर है, रोमांचक और रोमांटिक।